सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, ठीक है। और भाई जो आपका आने वाला मेडिकल है उसकी तैयारी में आप अपने अच्छे से लगे पड़े होंगे, ठीक है। तो भाई आज बात करेंगे एक तो सबसे पहले एसएसबी ड्राइवर के बारे में, ठीक है। एसएसबी ड्राइवर का जितने भी स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, ठीक है, जो अपनी तैयारी आप अच्छे तरीके से आप करते आए हो, फिजिकल हो गया, एग्ज़ाम हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया, अब बचा है आपका मेडिकल, ठीक है। तो भाई सभी दोस्तों से मैं यही कहूँगा कि जितने भी जिन भी अभ्यर्थी को भाई लग रहा है मेरे नंबर ठीक है, अच्छे स्कोर आ रखे हैं, ठीक है, चाहे वो फिर किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो भैया आप अपनी सावधानी बरतना चालू कर दो, ठीक है। क्योंकि इसका मेन मोटो क्या है कि कई बार क्या होता है कि अच्छे नंबर आने के बाद भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं भाई जो लापरवाही करते हैं, जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट वगैरह का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो जान करके मतलब कोई भी अनहोनी हो, इससे अच्छा है कि भाई अपना अब थोड़ा सेफ्टी बरतना चालू कर दो, क्योंकि अब आप सिर्फ एक कदम दूर हैं। अपना तैयारी करो, अच्छे तरीके से मन लगाओ, थोड़ा सेफ्टी बरतो, हेलमेट वगैरह, चश्मा वगैरह लगा के रहो, ठीक है। और भाई पूरा अच्छे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, अपना यार दोस्त में जो भी अपना घूमना थोड़ा लेट तक देखते हैं ना भाई, जैसे एक मंडली होती है यार दोस्तों की, अपना लेट तक बैठे रहते करके बाहर, ठीक है, थोड़ा वो बंद कर दो। उससे क्या है, उससे आप दो आपका ही फ़ायदा होना है, क्योंकि ये भी लास्ट टाइम 2022-23 वाला जो बैच गया था उसमें क्या सीन था, बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनकी 72, 77, 78 ये नंबर आ रखे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। कारण क्योंकि आजकल जो समय है वो ऐसा है, अगर आप फौज वगैरह, पुलिस में, किसी भी डिफेंस में अगर आप लगना चाह रहे हो ना, तो सबसे बड़ी बात है पड़ोसी खुश नहीं लग कि भाई ये बस ये सोचें कि ये लगना नहीं चाहिए, चाहे फिर वो आपके ऊपर वो किसी प्रकार का कोई भी ब्लेम लगाए, ठीक है। मेरे पास 3-4 केस ऐसे आ रखे थे कि सर मेरे पास अभी कुछ दिन पहले मेरा कोई कसूर भी नहीं था, मेरा जान करके नाम लिखवा दिया, वो नहीं चाहते भाई गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लूँ, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही है कि भाई आप अपनी सावधानी बरतो, सभी दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। बाकी जो आपके एसएसबी मेडिकल है 2023 वाले, भैया आप ये मान के चलो जुलाई के सेकंड वीक में, ठीक है, जुलाई के सेकंड वीक में जो आपके मेडिकल हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 28-29 अभी जो जून चल रही है इसमें अभी जो कम्युनिकेशन वाले बच्चे हैं उनके भी एडमिट कार्ड मेरे पास आए हुए हैं, ठीक है। तो ये मान चलो जुलाई के फर्स्ट वीक में जाके अभी कम्युनिकेशन वाले वो बच्चे कहीं फ्री होंगे, अभी तो उनके ही मेडिकल ख़त्म नहीं हुए हैं, उसके बाद री मेडिकल भी है, ठीक है ना। जो मान लो जैसे किसी बच्चे का 28 जून 29 जून को है, तो भैया 3-4 दिन का तो उसका भी री मेडिकल है। तो वही है, आप है ना सेकेंड जो जुलाई है, जुलाई का जो सेकेंड वीक है, आप उसके अंदर अपना मेडिकल की डेट मान के चलो, ठीक है। तो आशा करूँगा आपको, बाकी कोई भी आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो भैया आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसका मैं लिंक भी दे दूँगा नीचे, ठीक है। और उसका मैंने एक एसएसबी का 2023 वाला जो ड्राइवर है उसका मैंने ग्रुप बना रखा है, दोनों लिंक दे दूंगा, आप उसके अंदर जुड़ सकते हो। बाकी आपको किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में वहाँ पर मेरे को मैसेज कर देना, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।